शिल्पा जी देखें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स को तो देख रहे हैं कि आज कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है मसालों में अब कैसा रुझान रहेगा जिस हिसाब से दिवाली धीरे धीरे पास आ रही है, समय कम है और दिवाली पर ये भी देखते हैं कि जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि मसालों का वायदा बाजार सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। अब क्या लगता है आगे वायदा बाजार में मसालों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए मसालों के अंदर अभी जो है वो निर्यात मांग काफी कमजोर है, इसलिए बाजार उठ नहीं पा रहे हैं। घरेलू बाजार के अंदर थोड़ी बहुत मांग निकल सकती है त्योहारी सीजन के चलते, लेकिन ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी सस्टेनेबल है, छुटमुट तेजी बन सकती है त्योहारी सीजन के चलते। वहीं धनिये की बात करें तो ऊपर में 8200 तक एक बार ऊपर जा सकता है। धनिये के बाद जीरे में भी ज्यादा से ज्यादा 15000 का स्तर हो सकता है कि तेजी भी देखने को मिले। वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी भी 7400-7500 के आसपास सस्टेन होती दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा तेजी फिलहाल मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर वापस से हो सकता है कि एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आए, लेकिन हाल फिलहाल में बाजार एक रेंज में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मांग बहुत कम है। इस वजह से इसके ऊपर प्राइसेस के ऊपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऊपरी स्तरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है जी।